हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सामने आप खड़ी देख सकते हो यामाहा MT-15 2.0, जो इसका नया वाला वेरिएंट है बाइक का, MT का वो वाला वेरिएंट आज हमारे पास खड़ा हुआ है। एंड आप इसका ये जो कलर देख सकते हो, कलर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा है। एंड इस बाइक में आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया है वो चीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा कलर इस बाइक में पसंद आया है। तो आज इस वीडियो में हम इस बाइक के कुछ फीचर्स की एंड स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड बाइक के लुक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बाइक आपको इस प्राइस सेगमेंट में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करने वाली है। तो वीडियो को अपन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं, एक शॉर्ट वीडियो में ही ये सब चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं। तो पुरानी वाली MT से इस वाली MT में क्या खास चेंज दिया गया है वो चीज़ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ इस बाइक में आप लोगों को गोल्डन सस्पेंशन मिलने वाले हैं। फ्रंट जो सस्पेंशन दिए गए हैं गोल्डन USD सस्पेंशन दिए गए हैं, जो कि पुरानी वाली MT-15 में आप लोगों को नहीं मिलते थे। ब्रेकिंग की बात करें तो पुरानी वाली MT में एंड इस वाली MT में कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं है, ब्रेकिंग लगभग दोनों ही बाइक की हमें सेम दी गई है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वही 155 cc का इंजन दिया गया है। पावर फिगर में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, तो पावर फिगर भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। बाइक की टॉप स्पीड वगैरह लगभग सेम रहने वाली है, जो पुरानी वाली MT-15 थी और ये वाली जो MT-15 है, इसकी टॉप स्पीड या फिर माइलेज इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा खास आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। इंजन लगभग सेम है, दो बाइक का लगभग क्या इंजन तो सेम ही है। पावर फिगर की बात करें तो थोड़ा बहुत पावर में या फिर टॉर्क वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, तो उस चीज़ को अपन ज़्यादा इतना कवर नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वो लगभग सेम है, उससे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब एक बार फ्रंट लुक की अगर हम बात कर लें तो फ्रंट में आप एक बार देख सकते हो जो लुक दिया गया है, पुरानी वाली MT में भी लगभग यही लुक था फ्रंट की साइड में, एंड अभी भी बाइक में यही लुक दिया गया है। सेम आपको हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं, LED आपको लाइट मिल जाती है, DRL मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर दिया गया है, LED प्रोजेक्टर दिया गया है, जो कि आपको पुरानी वाली MT में भी मिल जाता था। एंड इस वाली MT में भी वही लगभग सेम चीज़ें दी गई हैं। एक दूसरे चेंज की अगर बात करें पुरानी वाली MT और इस वाली MT में, अगर एक चेंज की बात करें तो वो है बाइक के मीटर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए गए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा ऐप एंड बैटरी, जो फ़ोन की बैटरी होती है, एंड कॉल अलर्ट वगैरह का सिस्टम दिया गया है। जो इसकी ऐप होती है उस ऐप से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, एंड इस जो फीचर्स हैं इन फीचर्स को आप एक बार कंट्रोल कर सकते हो इस चीज़ में, जो कि पुरानी वाली MT-15 में हमें देखने को नहीं मिलता था। बाकी सब चीज़ें लगभग सेम है, सेम स्विच वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पर भी लगभग सब चीज़ें सेम आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से अगर लुक की बात करें तो वो ही लगभग सेम लुक है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। टेल सेक्शन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे LED टेल लाइट दी गई है, पीछे भी आपको वही सेम हैलोजन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यामाहा की लगभग सभी बाइक्स में आपको यही सेम इंडिकेटर मिलने वाले हैं। अब अगर हम टायर सेक्शन की बात करें तो आपको रियर में 140/70/17 का टायर दिया गया है। फ्रंट के टायर की अगर बात करें तो आपको 180/17 का फ्रंट में आपको टायर मिल जाएगा। रियर टायर की अगर हम बात करें तो टायर आपको ट्यूबलेस ही मिलने वाला है। एंड ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, लेकिन रियर में आप लोगों को ABS नहीं मिलने वाला है। मतलब ये जो बाइक है अपनी सिंगल चैनल ABS बाइक होने वाली है। एंड बाइक के और फिनिशिंग वगैरह की बात करें तो यामाहा की जो बाइक्स आती हैं उनमें फिनिशिंग की किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी कि फिनिशिंग में कुछ भी थोड़ा बहुत डिक्रीज है क्वालिटी, मतलब फिनिशिंग में आपको कोई भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ नहीं मिलने वाला है। बाइक के जो भी पार्ट है, पार्ट सबकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये जो प्लास्टिक पार्ट्स दिए गए हैं ये एक्चुअल में प्लास्टिक पार्ट्स हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड यामाहा की ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि यामाहा मोस्टली इन बाइक्स में आपको लिक्विड कूल इंजन देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहता है। जो टॉप स्पीड होती है, टॉप स्पीड को भी अच्छे से कैच कर पाता है। 6 स्पीड आपको गियरबॉक्स मिल जाता है, तो टॉप स्पीड भी सेगमेंट में ये जो बाइक्स हैं यामाहा की, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टॉप स्पीड कैच कर पाती है। एंड इंजन रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी स्मूथ आपको इंजन मिलने वाला है, तो राइड क्वालिटी जो भी होने वाली है आपकी बहुत ही शानदार एंड बहुत ही स्मूथ राइड क्वालिटी आपकी होने वाली है, जो कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाओगे। सिटी राइड रिव्यू की मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो चीज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख पाओगे कि सिटी राइड एक्सपीरियंस हमारा इस बाइक के साथ कैसा रहने वाला है। अब अगर हम बाइक के प्राइस की बात करें तो बाइक का प्राइस लगभग 1,65,000 एक्स शोरूम प्राइस है। तो स्टेट वाइज आप एक बार अपना ऑन रोड प्राइस चेक कर सकते हो कि आपके स्टेट में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या होने वाला है। लगभग 1,90,000 से 2,00,000 के बीच में पूरे इंडिया में ये बाइक अवेलेबल हो जाएगी ऑन रोड। 1,90,000 से 2,00,000 के बीच में लगभग सभी स्टेट में आपको ये बाइक मिलने वाली है। तो इस प्राइस सेगमेंट में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ, काफ़ी अच्छे इंजन के साथ। एंड बाइक का जो माइलेज है
माइलेज टेस्ट एक्चुअल में मैं करने वाला हूँ, बहुत जल्दी करने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देने वाली है, डेफिनेटली ये बाइक बहुत अच्छा माइलेज आपको देगी, लेकिन एक्चुअल माइलेज टेस्ट करके भी मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ, तो वो चीज़ आप कुछ दिन बाद, दो दिन तीन दिन बाद आप एक बार मेरे चैनल पर आके चेकआउट कर सकते हो। तो भाई इस प्राइस सेगमेंट में मुझे ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, एंड ये वाला जो कलर है ये काफ़ी अच्छा कलर है, एंड इस बाइक में और भी काफ़ी कलर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया है वो मुझे कमेंट करके बताना। एंड आप लोग अगर इस बाइक को परचेज करने का प्लान कर रहे हो एंड इस बाइक से रिलेटेड कोई भी और सवाल है आपके दिमाग में, तो वो चीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।